Hi everyone. Hi. So today we have with us Vikas. Vikas, you can say hi. Hi. He's a very good fitness trainer and he works with the Gym Box. And he helps us, all our girls out for the last so many years in fitness. And he's an on-ground man who has helped our girls get a great body. People like Shadda, Shashidhar have also trained with him. Any other people who you can tell me? Priyanka Kumari, who's right now at Miss India, at Miss Intercontinental, has also trained. Sakshi Gupta, Miss Tourism International India, has also trained with him. And today we're lucky to have him here at the Tiara. And he's come to talk about fitness and health, which we all need. And they say if you invest in fitness, you don't have to invest in anything else, right? Absolutely. So, girls, do you have any questions for Vikas here? Yeah, so I would like to ask him something about cardio and weight training. So, aisa mana jata hai ki cardio se weight lose hota hai aur weight training se bulk up hoti hai. So, aapka isse kya kehna hai? Kya preferable hai? For beauty queens and for people who are trying to go to the land and lose weight. So, what is that? जो स्क्वायर बोलते हैं हम जिसको, तो वो स्क्वायर कंप्लीट तभी होता है जब आप आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपका जो भी रूटीन होता है डेली, मतलब आपने 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले. सेकंड, आपका डाइट जो आप ले रहे हो, अगर मेटाबॉलिज्म को हमको बूस्ट करना है, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको आपकी बॉडी को, हाँ, जो प्रोसेस है आपकी उसको बहुत फास्ट करना पड़ता है. तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म इमीडिएट गिर जाता है और गिरने के चांसेस होते हैं अचानक से कुछ भी चीज़ खा लेना. अगर आप 15 डेज डाइट करते हो और कोई भी चीज़ एकदम से खा जाती हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इमीडिएट डाउन हो जाता है, तो उससे एक वेट लॉस नहीं होता है. सेकेंड, आपने पूछा कि कार्डियो करने से और वेट ट्रेनिंग से बल्कअप आता है, तो ये बल्कअप जो आता है वो सिर्फ मेल को ही आ सकता है. फीमेल को आने के लिए बहुत साल लग जाते हैं और जिनको भी आया है उन लोगों ने सारी मेडिसिन स्टेरॉइड वगैरह ये लेके, बिकॉज वी हैव एस्ट्रोजन एंड वी डोंट हैव टेस्टोस्टेरोन व्हिच कॉजेस बल्किंग बल्किंग अप एंड बीफिंग अप. फिटनेस मॉडलिंग के लिए वो चल जाता है, लेकिन ये जो आप जब कर रहे हो इसका सब कुछ अलग होता है. मैम तो आपको बता ही रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक बात कहता हूँ कि डाइट बहुत ज़रूरी होता है पहला, और सेकंड, कार्डियो करने से आपका जो स्ट्रेंथ होती है जो बॉडी में, जो थकान नहीं होनी चाहिए. आप थोड़ा सा चली या बिना लिफ्ट के एक दो माले चढ़ गए तो आपको सांस फूल जाता है, सब का ऐसा होता है, हुआ नहीं होता राइट. तो ये ना होने के लिए आपको कार्डियो करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है. कोई बोलता है कि आप 1 घंटा कार्डियो करो, 45 मिनट्स करो, 30 मिनट्स करो, यू आर वेस्ट योर टाइम. तो फर्स्ट जब आप आती हैं तो पहले वार्म अप करना है. वार्म अप इसलिए किया जाता है कि आपकी बॉडी उस लेवल तक लानी है जहाँ से आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है, और वापस उसी लेवल पे ले जानी है लास्ट स्ट्रेचेस जहाँ से आप एंटर हुए. और स्ट्रेचेस भी क्यों किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ. बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड भर जाते हैं मसल के अंदर, तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है. उसको न निकालने की प्रॉब्लम्स जो होते हैं अपने जॉइंट से होते हैं ना, वो लॉक हो जाते हैं फ्यूचर काफ़ी दिनों तक. अगर आपने स्टिचेस नहीं किए, कोई ट्रेनर आपको नहीं बोलता है कि मत करो, तो वो टाइट हो जाता है, मतलब आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हो. ठीक है, ये हो गया. तो उसको निकालने के लिए आपको फर्स्ट स्टिचेस एंड लास्ट स्टिचेस करना बहुत ज़रूरी है. ओके, और वेट ट्रेनिंग करने से आपको लगता है कि आपके मसल्स आएंगे, आपका बॉडी बल्क हो जाएगा या आपका जो है टाइप लगोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्योंकि फीमेल्स हार्मोन्स एंड मेल हार्मोन्स में काफ़ी सारा फर्क है. तो अगर कोई लेडी हैवी वर्कआउट करती है तो उसका बॉडी कम होता है, टोन होता है. ये 101% में उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और उससे बॉडी लीन होती है उसकी. और फीमेल ने हमेशा वर्कआउट के पहले कार्बोहाइड्रेट लोड करना चाहिए,
उससे जल्दी वेट लॉस होता है, और मेल का रीजन है उन्होंने फाइबर लोड करना पड़ता है, इसलिए ओट्स ये लोग हम खाते हैं, एप्पल ये वो हमको खाना पड़ता है। हाँ, एक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, गायत्री इज आस्क्ड अ रियली गुड क्वेश्चन, कुड यू बी लिटिल लाउडर गायत्री? So, he's a gym trainer, actually he should not be answering questions on diet. As per the Gold's Gym, as per the ACE certified, trainers don't give any nutritional advice. Actually, dietitians are supposed to. But even then, like we just ask a generic question saying that what should you be basically eating just before your workout, maybe an apple or something, I don't know. I have seen that an apple really helps before a workout. It gives you energy and orange also. And yeah. So sometimes there's also the people say that you should have, say, a glass of, like a cup of black coffee without sugar right before gym. So is it good to actually consume that level of coffee right before gym? Because people say you will end up, having a lot of instant energy. So how true is this? So coffee ka pouch chocolate, uske upar agar piche se aap padhoge to uske upar caffeine likha hua hoga, jo 6-1 rupees ka jo pack hai uske upar 6 mg likha hua hota hai. Right. To caffeine jo hota hai hamari body ke liye acha nahi hota, jo joints ko kha jata hai. Okay. Agar calcium aapki body mein pehle se hi kam hai to wo problem karega aapke joints mein. Okay. To coffee अच्छा नहीं होता है वर्कआउट के 15 मिनट या 10 मिनट जो भी जिसे बोला, कैफीन अच्छा होता ही नहीं, वो अगर फैट बर्नर जो बनते हैं वो कैफीन से ही बनते हैं, लेकिन उसकी जो 5000-6000 mg के होते हैं, और अगर 6 mg तो कॉफी जैसे चार बजे वर्कआउट के पहले नहीं लेनी चाहिए, 4-5 आई थिंक लोग फैट बर्निंग के लिए खा पीते हैं कॉफी, शॉट्स ऑफ कॉफी, ताकि उससे फैट बर्न हो. अच्छा नहीं है, मैं तो फैट बर्नर्स के भी अगेंस्ट हूँ. इंस्टेंट वी कैन ऑप्ट फॉर ग्रीन टी आल्सो. ग्रीन टी इज ऑलवेज गुड. ग्रीन टी अभी आजकल दे आर सेइंग दैट ग्रीन टी आल्सो हैज नो रियल यूज. आई डोंट नो, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन इन द मार्केट दैट वी आर टोटली कंफ्यूज्ड. वो मेरा डाइट नहीं, एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द मिस इंडिया का जो डाइट देते थे एक टाइम पे, मिस्टर मिकी मेहता का डाइट है वो, तो हम वही फॉलो करते. उतना भी फॉलो किया ना, हाँ, तो सबको 100% रिजल्ट मिलेगा, और नहीं बॉडी का जो टोनिंग है, जो कोई पार्ट आगे है, बड़ा है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो तो हम लोग कोशिश करेंगे, साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपका आना बहुत जरूरी है तो आप सब लोगों ने आना है. मिस यू कृतिका, मिस यू कृतिका चौधरी हमारे साथ हैं, जो आई थिंक आपके साथ कभी वर्कआउट किए होंगे शायद. हाँ, सो कृतिका इज सेइंग शी मिसेस तियारा, वी मिस हर टू. यस, इट्स अ बर्थडे, करेक्ट, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आई एम एन ओल्ड वुमन, आई कीप फॉरगेटिंग. हैप्पी बर्थडे कृतिका, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, लॉट्स ऑफ लव. देयर यू हैव गायत्री, अनदर कैंपस प्रिंसेस, फाइंड अस किसिंग, सेंडिंग किसेस योर वे. विकास, एक क्वेश्चन था मुझे, हमेशा से ये रहता है कि ये जो फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, लाइक बोलते कि आप छोटे छोटे मील्स खाओ, आई नो फिर से हम डाइट वाले इसमें आए, पर ये हमें कैसे एड करता है हमारे वर्कआउट में, कि ये जो हम छोटे छोटे मील्स खाते हैं ये एनर्जी के लिए खाते हैं, इसका है? कहते हैं 2-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए. लो कार्ब, लो फैट, लो शुगर, ये मील अगर रखते हैं तो आप कितनी बार भी खा सकते हैं. बस जो प्रॉपर मील होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें आपको उतना ही खाना होता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए. आलिया's mom has joined us. आलिया, you can say hi to your mom. Hi. Ruby ma'am is online. विकास, एक और क्वेश्चन था. अब लोग, मैंने देखा है मेरे क्लास में ही बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने आज 2 घंटे वर्कआउट किया, मैंने आज 3 घंटे वर्कआउट किया. मैंने पढ़ा था कहीं भी कि 1 hour 10 minutes इज एक्चुअली इनफ फॉर अ वर्कआउट, उसके बाद आप जो भी कर रहे हो, यू मे बी ओवर ट्रेनिंग योर सेल्फ. आपके हिसाब से क्या है?
ये इस पे कार्रवाई। अगर आप जिस काम के लिए आए हो वो अगर सही से किया जाए तो 10 मिनट में भी हो सकता है, 20 मिनट्स में भी कर सकते हैं और 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके फोकस पे। आप कि आपको ट्रेनर अगर बता रहे हैं कुछ और वो आपके लिए अगर जरूरी है तो आपका फोकस आपके ट्रेनर पे होना चाहिए, हालांकि ना तो मोबाइल पे होना चाहिए ना तो मतलब जो आप करने वैसे तो एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं, जैसे कोई इधर उधर आपका टाइम चला गया या कुछ आपने ट्रेनर से पूछ लिया तो वो आपको कुछ बता रहा है उसमें थोड़ा टाइम जाके ऐसा कुछ एक्सटेंड करके 2 घंटे चले जा सकते हैं, पर ज़्यादा वर्कआउट करना मैं तो 2 घंटे के खिलाफ ही हूँ। 45 मिनट्स इज मोर देन एनफ। Like so I wanted to ask, can we go over twice in a day for workout? Like 1 hour morning, 1 hour evening? Because as like me, for me, I want to shred my around 7 to 8 kgs to prepare for pageant. So like I have to, and I have a limited time period. So can I go for twice in a day to workout? उससे कोई फायदा होगा दो बार जिम जाने में? दो बार। पहले एक बार That's a good one. See, the pehle din, I'll tell you about myself. New Year's Day पे मैंने पहले दिन पे जाके नए जिम में enroll किया इसी New Year पे, and I said चलो let's start. So first day we are very enthusiastic, but second day also I was quite. Now it's like a little bit of a pain getting up and going to the gym, but one has to do it. So what he says is absolutely right. पहले एक बार तो आइए, फिर सेकंड वाली बारे में. But if you go the second time, what are you going to do? Are you going to do weights again, or will you do? That's what I'm asking. What should we do, or we should go twice or not? Once is enough. एक ही बार जाओ, एक ही बार ऐसे अच्छे से वर्कआउट करो कि जो सेकंड टाइम आपको ना जाना पड़े. और अगर आप जाती भी हो तो जितने आपने मसल टेयर किए हैं जिम को रिकवरी के लिए 38 आवर्स लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 24 आवर में हम लोग बोल देते हैं कि अल्टरनेट आ जाओ, और कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज किए जाते हैं जो दो बार भी किए जाते हैं. अगर जिनको बहुत जल्दी बल्कअप करना होता है ना उनको हम दो बार बुलाते हैं कि मॉर्निंग में एक मसल करो और इवनिंग में एक मसल करो. लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं है, अगर आप मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग करते हो तो शाम में आप कार्डियो करो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा. द टियारा गर्ल इज आस्किंग अस दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर. सो वी हैव विद अस अ फिटनेस ट्रेनर Vikas from the gym box, and he's giving us some tips on how to get our bodies in pageant ready shape, and he's been with us, associated with us for the longest time. So say hi Vikas. Hi. Aapko log dekh rahe hain yahan pe. Hi. Haan ji. I have another question for you. Yeah. So protein shakes ka aapko aapka kya opinion hai? Protein shakes mana jata hai ki muscle recovery ke liye bahut acche hote hain, lekin पहले तो आपको आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हो? वे सबसे नहीं, वे प्रोटीन में भी बहुत सारे प्रोटीन है, द कंपनीज मैटर एंड वे प्रोटीन. ये जो नाम है एक प्रोसेस आइसोलेट, इसको एक प्रोसेस कहा जाता है, उसका प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस को आइसोलेट कहा जाता है, एक हाइड्रोलाइज. ये एडवांस लेवल का होता है, और जो नॉर्मल वे होता है ना वो फर्स्ट लेवल का होता है, मतलब फर्स्ट वे, सेकंड आइसोलेट, थर्ड हाइड्रोलाइज. तो ये थर्ड प्रोसेस होती है. तो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान का वेट 50 kg है तो उसके पूरे दिन का बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 50 ग्राम पर डे. ओके, अगर आप वर्कआउट करती हो और आपका जो फैट परसेंट है वो अगर आप BMI करती हो स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करने से पहले, अगर उसमें आपको फैट परसेंटेज दिखाया जाता है कि आपका 30 है मान लो, और आइडियल दिखाया जाता है कि 15 के और 18 के अंदर होना चाहिए. अगर आप 15 के और अंदर आती हो तब आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि आपके फैट के साथ आपका मसल भी लॉस हुआ है, और जब मसल लॉस होता है तभी आपको हाई प्रोटीन इंटेक करने की ज़रूरत होती है. ओके, अगर कोई शिंक है ऑलरेडी पहले से ही तो उसे तो लेना ही चाहिए, पर जिसका बॉडी ऑलरेडी हेल्दी है, उसकी बॉडी में सब कुछ है,
तो उसको बीएमआई से ये पता लगाया जा सकता है कि इनको अभी क्या देना है, बॉडी में इनको क्या डालना चाहिए. अभी दूसरी बात होती है, जब आप इतना प्रोटीन लेते हो आउटसाइड सोर्सेस से, नेचुरल प्रोटीन नहीं लेते हो, वे लेते हो, तो फिर आपको उतना पानी भी पीना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज इट कैन डैमेज योर किडनीज. एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो फॉर पैजेंट गर्ल्स आई वुड से अवॉइड हैविंग वे प्रोटीन, बिकॉज उसमें क्या होता है कि इट्स ऑल्सो प्रिटी हॉट. एंड देन आई डोंट नो, आई हैव सीन इट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई मे बी डोंट हैव एनी साइंटिफिक थिंग टू प्रूव दिस, बट आई हैव सीन कि इफ यू डोंट ड्रिंक दैट मच वाटर, देन यू ऑल्सो हैव प्रोन टू ब्रेकआउट्स एंड एक्ने एंड अदर सच things. So I prefer the natural route always, you know. So if you want to have whey protein, then please do it on the guidance of a nutritionist who would be the right person. We probably are not the right people to sit here and give advice on this. I'm not saying it's wrong, but if it can be avoided, and he said it's not everybody's requirement, correct? सब लोगों को अभी वो फैशन बन गया कि बड़े बड़े बॉटल लेके जाना सिपर्स और उसमें वे प्रोटीन रख के उसको सिप करना, वो इट्स बिकम अ स्टाइल स्टेटमेंट. तो इट शुड नॉट, नथिंग शुड बी डन फॉर स्टाइल. इफ योर बॉडी रिक्वायर्स इट, देन गो टू अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट एंड टेक गाइडलाइंस फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट. अभी काफी सारे ट्रेनर्स भी इससे पैसे बनाते हैं सप्लीमेंट्स बेच के, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है क्योंकि दे आर नॉट ऑथराइज. Fitness trainer is only authorized to train you about fitness, not diet. But of course, having knowledge is good. He being into the field is giving you some knowledge. But don't take whatever we are saying here as the Bible truth. Please do consult a proper dietitian or nutritionist. Yes. Like as I came to the first day of workout, तो मतलब शायद ज़्यादा exercise से या I got kind of unconscious. तो मतलब ये कुछ खाया नहीं था, मतलब you have to मतलब खाके कुछ gym आना चाहिए. तो ऐसा ही बोलते कि workout के time you get stomach ache अगर आप कुछ ज़्यादा खाके भी आते हो. तो मतलब मैं, मेरे को थोड़े चक्कर जैसे आ गए थे शायद heavy workout की वजह से. तो मतलब what should we do कि workout? I think chakkar doesn't happen because of heavy workout, it's because of hypoglycemia, because of not eating anything, low sugar content. आप कुछ खा के नहीं गए और आपने workout शुरू कर दिया, तो obviously you're not going to, तो then you feel giddy, so you must eat something in the morning before your workout. Whatever works for you. And ज्यादा खाने से obviously you're going to feel pukey. But stomach ache क्यों होना चाहिए? I don't see. I haven't the stomach ache, मतलब नहीं, but it's like nauseous feeling. You might get a nauseous feeling if you, if I overeat and go to the gym obviously, and then I'm working out. So I think for keeping yourself hydrated is really important. Yeah, that's very good point. Carry a bottle of water sipper with you. That's not a fashion statement, that's a necessity, so do that. Yeah. Anything over there? Anything you all want to say, girls? Yeah, I actually have a question. So what are some good workouts to do that target the hip area? Why don't you come here? Come here and ask a question. Okay. Yeah. Come. So we have Anshika here, who has I'm Anshika. Yeah, so I was asking, what are some good workouts you can do that target the hips and the side of the stomach? She goes regularly to gym. पर स्पॉट रिडक्शन होता है कैसे? सिर्फ मेरे को ये लोअर वेस्ट कम करना. आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पॉट रिडक्शन. नो, आई डोंट थिंक होता है स्पॉट रिडक्शन, बिकॉज बोलते हैं कि नहीं होता है स्पॉट रिडक्शन. कुछ इंचेस की लिमिट होती है और करना है तो वहाँ का फैट हटाना पड़ता है. बेसिकली दैट इज. तो कुछ सो बेसिकली क्या एक्सरसाइज यू वांटेड टू नो? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस? बिकॉज़ फॉर राइट नाउ आई एम मेनली आई डू कार्डियो फॉर 45 मिनट्स एंड आई डू एब्स एंड लेग्स, बट आई वांट टू श्रिंक यू नो माय हिप्स मोर, जस्ट आई लूज एन इंच देयर. सो आई हैव बीन गूगलिंग सम वर्कआउट्स टू डू, ऑब्वियसली यू आर योर प्रोफेशनल सो यू वुड नो बेटर. सो दैट्स अनदर थिंग दैट डूइंग अ गूगल वर्कआउट्स, I'm not so sure if that works, you know, because the kind of form and technique that you need, I think there should be a trainer there to guide you. Even if you're really good at your own workouts, then I don't know, maybe you can use YouTube or Google videos. But my suggestion would be always to take tips from the trainer. Right. Because subconsciously you may be doing something wrong, you know, to your body. तो कोई ऐसा वर्कआउट इनको बताना चाहेंगे, लाइट वेट्स, मोर रेप्स, क्या करना चाहिए?
कुछ बोले बताऊंगा कैन यू गो टू द जिम वंस टू मीट हिम एक्चुअली वो अभी अमेरिका वापस जा रहे हैं शिकागो से आए हैं सो उनको जाना है इस वीकेंड पे तो उससे पहले एक दिन शी कैन कम एनी मोर क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप टुडे सेशन विद विकास कोई एनी मोर क्वेश्चन या मतलब जैसे आपको करना चाहिए अगर उस हिसाब से अगर आप करते हो घर पे भी कहीं पे भी तो आपका बॉडी 101% रिजल्ट लेगा ही लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरह करना है तो सीखने के लिए तो कम से कम आना पड़ेगा जो करेक्शन होता है अभी मैम ने बोला आपको कि अभी उनके ध्यान में कुछ नहीं रहे उन्हें हायर किया पर्सनल ट्रेनर राइट क्यों क्योंकि उनको वो जो कैसे करना है एग्जैक्टली कैसे करना है मैंने बहुत दिन बहुत साल से जिम छोड़ा हुआ था एंड अभी मैं वापस जिम में गई हूँ तो आई डोंट वांट एन इंजरी यू नो सो आई स्टार्ट वर्किंग आउट विदाउट अ पर्सनल ट्रेनर आई वर्क आउट इन अ जिम देर आर ट्रेनर्स देयर बट देर नॉट वॉचिंग यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द वे सो एंड अपने घर पे यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग वेट्स एंड जस्ट वर्किंग आउट लुकिंग एट अ यूट्यूब वीडियो I get a click sound in my shoulder, so that's not a very good indication. Yeah. So that's when I hired a personal trainer, and he's been guiding me since, so that I don't. See, you've come to the Tiara. You could have done pageant training on your own also by going on to lots of resources like the Pageant Planet, a very great resource for pageant girls. But then, what about on-ground training where we can on-ground guide you? So that always helps, you know. And as far as you said ki ghar pe reh sakte 2-3 din aur kuch ghar pe hi kar sakte I have learned one thing that I am fittest when I am consistent with my workout if I am going to bunk and 2 din ghar pe 2 din gym mein then wo kabhi hota nahi hai and that flow goes so commit to a program and be there in the gym am I right yes. roz gym mein jana hai abhi Kanchan Doodwal has a question same question about whey protein कि अगर एक बार आपने खा लिया और बाद में कि आपका वेट पुट ऑन हो जाता है जब आप छोड़ दो वो डिपेंड करता है आपके डाइट पे कुछ लिमिट तक आप कंट्रोल करती हो आप समझो अभी आप मन के पास हो तब सब लोग अच्छे से डाइट करेंगे खाना रहेगा कोई कुछ भी करेगा तो वो So she should actually consult a nutritionist. We've come back to, for all diet related things, it's not fair to ask the fitness trainer. Would be better to go and consult a proper dietitian who will guide you and also the quantity of whey protein you should be eating as per your BMI and your fat percentage. If at all you should be even eating whey protein, can you choose a natural option instead of that, like maybe eggs or egg whites or other boiled chicken, grilled chicken, soya, tofu, all these natural dal, which is a great source of protein. आई थिंक आर हमारे पुराने जमाने के लोग तो यही सब खाते थे जो चना भी गया चिक पीस एंड या सो आई थिंक फूड इज समथिंग विच वी नीड टू कंट्रोल बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी ऑल्सो नीड टू हिट द जिम एज पैजन गर्ल्स राइट सो आर वी गोइंग टू सी यू ऑल गोइंग टू द जिम रेगुलरली विकास तो नहीं आएंगे तो मुझे बताइएगा ओके दो बार दिन का बाद में देखेंगे लेट्स स्टार्ट विद वंस अ डे एटलीस्ट गेट हिटिंग द जिम सी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप आई हैव टू टेल माय माइंड एवरी डे दैट वेक अप लेट्स गो टू द जिम बट दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू फॉर आवर सेल्व्स चक्कू पटेल सेज से हाई टू आलिया दी फ्रॉम एंड हाई टू ऑल द गर्ल्स एज वेल हाय चक्कू सो विकास आपको चक्कू हाय बोल रही है Alright, so girls, you can say bye. You have all a lot of people here. Vikas, kuch last words fitness pe? अगर आप रात को खाने में लेट होते हो या बाहर कहीं खा लेते हो
सोने के पहले नींबू पानी जरूर पीना. अच्छा, इट हेल्प्स. गरम पानी विद नींबू? नहीं, नॉर्मल, बट नींबू पानी पीना होता है क्योंकि एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स हमारे पेट में जब बॉडी नॉट वर्किंग में होती है तो वो निकालने का काम करेगा, तो उससे वेट को कम नहीं होता. ये मेरा लास्ट. Okay, great. Thank you so much, Vikas. Thank you. Give a big hand to Vikas.